हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित पाठक नर्सिंग। सो आज हम बात करेंगे अपने हेल्थ के रिलेटिव कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की, जो आज की डेट पे हमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इमरजेंसी किसी के भी साथ हो सकती है, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, आपको जरूरत पड़ सकती है, या आपके रिलेशन में जरूरत पड़ सकती है, या किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, आपको नॉलेज होना चाहिए इस बारे में, ठीक है? तो किन बेसिस पॉइंट से बात करेंगे हम? तो आज हम बात करेंगे बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, पल्स रेट और ऑक्सीजन, ठीक है? ये चार टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं बीपी की, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर होता क्या है, टेम्परेचर क्या है उसके, ठीक है? हमारा जो हार्ट है वो जब ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, जिन नलों के थ्रू पूरी बॉडी में आता है या पूरी बॉडी में से वापस होके हमारे हार्ट में जाता है, उन नलों पर ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है? बात करते हैं ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रेंज, ठीक है? तो ये दो प्रकार के होते हैं। हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, वो बॉडी में सप्लाई होता है, वो होता है सिस्टोलिक, ठीक है? और जो हमारा जब वो पूरी बॉडी में होकर हमारे ब्लड हार्ट में वापस जाता है उसको हम कहते हैं डिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दो प्रकार के आपके बीपी होते हैं। तो बात करते हैं नॉर्मल रेंज की, ठीक है? बीपी अगर आपका 120/80 है, ऊपर का 120 है, नीचे का 80 है, तो डेट इज़ अ नॉर्मल, ठीक है? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, नॉर्मल है आपका बीपी, ठीक है? अगर आपका बीपी 130/85 है तो ये भी नॉर्मल रेंज में आता है, ठीक है? इसमें कोई हमारी बात नहीं है, कंट्रोल में है आपका बीपी, ठीक है? अगर आपका बीपी 140/90 है तो उससे हम थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ मानेंगे, ठीक है? घबराने वाली बात नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा बढ़ा हुआ मानेंगे, ठीक है? बट अगर आपका बीपी 150/95 है या 150/100 है या सुपर है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है अपने आसपास और डॉक्टर की सलाह लेनी है और उनको बताना है कि हमारा ब्लड प्रेशर इतना है। अब ये तो क्या ब्लड प्रेशर, अब हम बात करते हैं हमारे पल्स रेट की, ठीक है? पल्स, इसको हिंदी में कहते हैं नब्ज, नब्ज डॉक्टर दिखा ना, डॉक्टर नब्ज देखते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये होता क्या है बेसिकली, पल्स रेट जो हमारा हार्ट होता है एक मिनट में जितनी बार बीप करता है या जितनी बार धड़कता है उसको हम पल्स रेट कहते हैं, ठीक है? ये 72 से 75 तक अगर आपका एक मिनट में पल्स आ रही है तो ये नॉर्मल है, ठीक है? 72 से 75 टाइम अगर आपका हार्ट बीप हो रहा है एक मिनट में तो ये नॉर्मल है, ठीक है? अगर आपका 60 से 80 भी है तो वो भी नॉर्मल रेंज में आता है, ठीक है? बट अगर आपका पल्स रेट 92, 120, 110 या 100 वो जितना भी है तो वो आपका पल्स रेट बढ़ा हुआ माना जाएगा, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपके ऑक्सीजन लेवल, ठीक है? ऑक्सीजन लेवल कितना नॉर्मल होता है। अब ऑक्सीजन लेवल जो होता है, ऑक्सीजन लेवल होता क्या है, ठीक है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह के द्वारा हमारे लंग्स में कई प्रकार की गैस जाती है, नाइट्रोजन जाती है, CO2 जाता है और ऑक्सीजन जाती है, ठीक है? ऑक्सीजन जब लंग्स में जा पहुँचती है उस पर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाती है, ठीक है? उसके बाद अब नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, ठीक है? तो ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 94 है तो आप डेट इज अ नॉर्मल, सामान्य है आपका, ठीक है? अगर आपका SpO2 95 से 100 तो बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है? बेटर है, बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर आपका 92-93 है तो उसमें थोड़ी सी सांस की दिक्कत है, हल्की हल्की, वो आप एक्सरसाइज से कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बट अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80-90 है या 80 से भी कम है तो आपको तुरंत डॉक्टर्स के पास या तुरंत आसपास के अस्पताल जाना है और आपको भर्ती ही होना है, ठीक है? एडमिशन आपको करवाना है क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की, ठीक है? बॉडी टेम्परेचर कैसे नापते हैं, वो हम बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर के थ्रू नापते हैं, ठीक है? बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 92 से 98 तक, ठीक है? वो नॉर्मल रेंज में आती है, ठीक है? अगर आपका
बॉडी टेम्परेचर जब थर्मामीटर में 99 दिखा रहा है, तो वो उसमें कह सकते हैं कि हम हल्का सा हल्का आरआर सी है बुखार, ठीक है। बट अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 102 दिखा रहा है डिग्री में, तो इसका मतलब आपको बुखार है, ठीक है। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर की सलाह लेंगे, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, जब भी आप थर्मामीटर नाप थर्मामीटर लगाएं, ठीक है, अगर आप ओरल ले रहे हैं, ओरल नाप रहे हैं थर्मामीटर लगा के, तो जो आ रहा है वही एग्जैक्ट माना जाता है, ठीक है। बट अगर आप बॉडी टेम्परेचर बगल लगा के लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी आपका आया, जितना भी आपको बगल से आएगा, उसमें आप वन प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर 98 है तो 99 कर देंगे, 99 है तो 100 कर दिया, ठीक है। 99 है तो उसका मतलब आपको फीवर है बगल से, ठीक है। ओरल है तो नॉर्मल है, ठीक है। सो ये था मेरा आज का वीडियो, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।